गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट को आप कैसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली 2 मिनट्स में। और गाइस बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार क्लिक आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैशबैक पॉइंट को आपको पेटीएम बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब कि बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे में जहां पे आपको कैशबैक पॉइंट शो करता है कैशबैक वाला सेक्शन में, तो उधर आपको जाना है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 4000 कुछ पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इसको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग बहुत सारे वाउचर भी है, तो वो सब वाउचर भी बाय कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि पेटीएम वाउचर या मिंत्रा वाउचर, बहुत सारे वाउचर है। तो यहाँ पे हम पेटीएम बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना और देखो पेटीएम बैलेंस कन्वर्ट टू पेटीएम बैलेंस लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मतलब कि 10 रुपीज़ का हम सिंपली दिखा देते हैं, 10 रुपीज़ का जो गिफ्ट वाउचर लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट्स दे के, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको सिंपली मिल गया है 10 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। यहाँ पे गाइस देखते हैं कि यहाँ पे देखिए व्यू पासबुक पर क्लिक करके देखिए नीचे में लिखा है कि मनी ऐड टू गिव वाउचर, तो मेरा पैसा इधर आ गया है। और गाइस इसको समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है गाइस, इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट कमेंट करो या मैसेज करो, हम समझा देंगे ठीक है कैसे क्या करना है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार के लिए आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।